जनाब यासिर हसन मजलिस के उम्मीदवार अलमदर वाला जाही, स्टेज पे मौजूदा लोग, सुनने वाले नौजवान बुजुर्ग, मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी तारुफ की मोहताज नहीं, क्योंकि मजलिस का काम ही मजलिस की पहचान है। रकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो काम को अंजाम दे रहे हैं, जालिमों के दुश्मन बनकर, फिरखा परस्त ताकतों से लड़कर, गरीबों, मजलूमों और बेजुबानों का साथ दे रहे हैं। हिंदुस्तान में एक तारीख लिखी जाएगी और आने वाले कई नस्लें हमारे कायद को याद रखेगी। हैदराबाद मजलिस का किला है और तो हैदराबाद को और ज्यादा मजबूत होना होगा। अगर हैदराबाद और मजबूत हुआ तो हमारे कायद जाकर पूरे हिंदुस्तान में फतेह हासिल करेंगे। तो हम सबको उनका साथ देना चाहिए। ये वक्त इत्तेहाद पैदा करने का है, ये वक्त पहले से ज्यादा मुत्तहिद और मुनज्जम होने का है। हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा काम लिया। अगर घर का एक बच्चा भी पढ़ ले या तालीम हासिल कर ले तो पूरे घर को संभाल सकता है। और आज हबीब मिल्लत के स्कूल में 15,000 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह उनके इस नेक काम को कबूल करे। और जो बंदर योगी यहाँ पे आया, उन्होंने पहले यूपी में कई नामा बदले, अब हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखते कहते, करीम नगर का भी नाम बदलते कहते। कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई अच्छा काम नहीं, खाली ये नाम बदलो, वो नाम बदलो। उनका खुद का नाम पहले अजय किश्त था, अजय किश्त से उनका नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रख लिए। तो बेहतर ये होगा कि एक बार वो फिर से वो अपना नाम बदलकर नाम बदलने वाला बंदर रख ले। बल्दिया इलेक्शन हमारे गलियों का इलेक्शन है। गली गली मजलिस, घर घर मजलिस, हर दिल में मजलिस, जहां देखो पतंग उड़ती। उसके लिए ये मोदी, शाह, स्मृति ईरानी, नड्डा, जो आते आ जाओ, मोदी को भी ला लो, साथ में उनके दोस्त ट्रंप को भी ला लो। क्या होने का है? हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, बहुत जल्दी करते तो चर्चा नहीं होती। अगर सर्जिकल स्ट्राइक वाली बात अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के मुंह से निकलती तो अभी तक सेडिशन चार्जेस लग जाते, पुलिस एक्शन में आ जाती, गोदी मीडिया में हंगामा हो जाता, पूरे हिंदुस्तान में एक हंगामा हो जाता। लेकिन वो बात बीजेपी वालों के मुंह से निकली, इसलिए सब खामोश है। और जो बोल रहे हैं कि ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, अगर वो हमारे हजारों साल पुरानी तारीख पढ़ ले तो उन्हें जवाब मिल जाएगा। हमने सिर्फ अपना अंदाज बदला है, तेवर आज भी वही है। खौफ क्या हो, हमें यजीदों का, हम उसे भी मिजाज रखते हैं। मैं सभी आवाम से अपील करती हूँ कि आप लोग 1 दिसंबर को ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकलकर मजलिस को वोट दो, अपनी जमात को मजबूत करो, अपनी ताकत कि आप लोग 1 दिसंबर को ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकलकर मजलिस को वोट दो, अपनी जमात को मजबूत करो, अपनी ताकत और इत्तेहाद का सबूत दो, अपने कायद के हाथ को मजबूत करो, जमहूरियत को मजबूत करो और अपने शहर हैदराबाद को कामयाब करो। याद रखिए, इस बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है, आपको बैलेट पेपर मिलेगा, उस पर आपको पतंग के निशान पर मोहर लगाना है और फिर फोल्ड करके बॉक्स में डाल देना है। और यहाँ मौजूद मेरे भाइयों और बुजुर्गों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि घर के खवातीन को ले जाकर वोट डालाना आपकी जिम्मेदारी है। अपना एक एक वोट हैदराबाद को भाग्यनगर बनने से रोकेगा और हैदराबाद का मुस्तकबिल हैदराबादियां खुद बनाएंगे। कोई चाय वाला, तड़ीपार, बंदर की औकात नहीं है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।